बच्चों की मौत होती है क्योंकि सरकार ने 68 लाख रुपए ऑक्सीजन सप्लायर के नहीं पे किए थे। 8 लोग जेल जाते हैं और सस्पेंड होते हैं, निलंबित किए जाते हैं, जिसमें 7 लोगों को बहाल कर दिया जाता है। मुझे डीएम से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक का और हाई कोर्ट में ये कहा कि जजमेंट में कहा जाता है कि कोई चिकित्सा लापरवाही नहीं की, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, फिर भी कल खबर मिलती है कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी नौकरी से निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। 63 बच्चों के माँ बाप आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। जो असली कातिल हैं, इस गुनाहगार हैं, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। पर कहते हैं ना कि नाइंसाफी करने वाला अगर जितना बड़ा ताकतवर होता है, इंसाफ में आपको देर लग जाती है पर इंसाफ मिलता ज़रूर है। तो फाइट फॉर जस्टिस मस्ट गो ऑन। मुझे न्यायालय पे भरोसा है और जिस टाइम भी मुझे फॉर्मल ऑफिशियल लेटर मिल जाएगा कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, उसी दिन मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करूंगा। हैरानी की बात है कि 6 अगस्त 2021 को खुद सरकार ने लिखित तौर पे हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि डॉक्टर कफील के खिलाफ जो सेकेंड इंक्वायरी स्टार्ट की गई थी उसको वापस ले रहे हैं। बहराइच के सस्पेंशन में हाई कोर्ट ने स्टे लगा दी। तो ये क्यों किया? वहां पे कुछ नहीं पेपर जमा किया और आज ये फैसला सुना दिया है। हालांकि मेरे पास कोई ऑफिशियल पेपर नहीं है, ना ही इन्होंने कोर्ट में जमा किया है। खबरें आ रही हैं कि आपको निकाल दिया गया है। बच्चों के हत्यारों के जाने का समय आ गया है, सिर्फ 4 महीने की बात।